सलाम नमस्ते। आई होप आप सब खुश हैं, मजे में हैं। आप सब की दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफी दिनों बाद मैं आज शूट कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ एक जगह पे आज, थोड़ा सा खुद को पैम्पर करने के लिए। वहां जाके मैं तय करूंगी कि मेरे को हेयर स्पा लेना है या फिर कोई और ट्रीटमेंट लेनी है। बहुत दिन हो चुके, बहुत महीने हो चुके, मैंने हेयर का कोई केयर नहीं किया है। तो चलो बस अब निकलते हैं। मेरे हाइलाइट्स भी है, उस हिसाब से देखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। तो बस मेरे को जल्दी से जाके आना था जब तक अरहम डे केयर में था। तो मैं जा रही हूँ कमन हल्ली स्ट्रेट सलोन। तो ऑलरेडी कॉल पे बात हो चुकी थी, तो बस अपॉइंटमेंट लिया था और मैं निकल रही हूँ। तो काफ़ी डिस्कशंस के बाद मैंने तय किया कि मैं ब्राज़ीलियन केराटिन करूँगी। इसको सेम डे वॉश ही करवाते हैं, तो 24 आवर्स रख के नेक्स्ट डे वॉश के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस वो लोग क्रीम लगा रहे थे, मैंने बोला मेरे को जल्दी करना है, तो दोनों लगे थे। वेट करना था हाफ एन आवर, तो बस मैं टाइम पास कर रही थी यहाँ पे। दिस इज़ हाउ द सलोन लुक्स, इज़ वेरी स्पेशियस और उनके काफ़ी ऑफर्स भी चालू रहते हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हो। तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी था, बस मैं मेरा टाइम पास कर रही थी। क्रीम के बाद वो लोग आयनिंग करते हैं, आयनिंग के बाद थोड़ी देर रख के फिर मास्क लगा के वॉश कर देते उसी दिन। तो वो रहे प्रोडक्ट्स जो मेरे को यूज़ करने हैं, एंड दिस इज़ हाउ द फाइनल लुक लुक्स लाइक। तो ये पूरे प्रोसेस के लिए मेरे को लगे थे 3 से 3.5 घंटे, एंड फिर चली मैं घर। शाम को मैं बना रही हूँ आम पन्ना। बस एक आम लिया है और उसको मैंने कुकर में बॉईल कर लिया है। उसको 2 से 3 सीटी देने वाली हूँ और फिर इसका छिलका निकाल के जो पल्प रहता है वो निकाल के साइड में रख दूँगी। जो नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स हम लोग डालते हैं वही डालूँगी, मैं शुगर नहीं ऐड करूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी जैगरी, मेरे पास जैगरी पाउडर थी, अपने स्वीटनेस के हिसाब से हम लोग ऐड कर सकते। उसके बाद ऐड करूँगी एक मिर्ची, थोड़ा सा पुदीना और अदरक, 2 से 3 इंच का अदरक, और फिर जीरा पाउडर। वो सब ऐड करके मिक्सर में घुमा लूँगी और ये काफ़ी अच्छा बनता है, तीखा सा मीठा सा। इसको हम लोग आराम से स्टोर भी कर सकते हैं एक कंटेनर में डाल के फ्रिज में, जब अपने को चाहिए होता है तब हम इसमें पानी डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो बस मैंने ग्लास में थोड़ा सा बर्फ़ डाला, पल्प डाला, पानी डाल के मिक्स कर लिया। तो ये काफ़ी इंस्टेंट बन जाता है, हम लोग गर्मियों में इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। सरोय मीठो ओछो बीजू जैगरी है इले आर हम यू वांटेड इन जग। डैडी ने खुद को लॉक कर लिया, उनका काम चालू हो गया। दिस इज हाउ इन द मॉर्निंग लिविंग रूम लुक्स। और यहाँ पे हमने पानी गिरा दिया है अरहम ने, तो बस सब सुखाने बाहर रख दिया है। व्हाट आर यू डूइंग अरहम? अरहम पिकबू, ये ऐसे क्यों देखता है? आई डोंट नो, कुछ सोचते रहता है ये। देखिए, हेलो, हाय अरहम। तो बस नेक्स्ट डे हो चुका है, सुबह सुबह के सारे काम चालू है। कल मैं केराटिन करके आई हूँ, एंड इट इज़ लाइक नेक्स्ट डे वॉश के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, तो सेम डे वॉश वाला ही ये ट्रीटमेंट था। इसका नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आप कर सकते हो। बस अभी देखते हैं नेक्स्ट घर पे वॉश करने के बाद क्या होता है। सो बेसिकली केराटिन डजंट गिव अस अ कम्प्लीट स्ट्रेट हेयर, बट इट इंड्यूसेस प्रोटीन इनटू आवर हेयर। सो एज ऑफ नाउ तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, अभी देखते हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग गए थे कुर्ग।
तो नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग करेंगे कुर्क को एक्सप्लोर. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय. टेक केयर.